अयोध्या के राजा राम सीता के मन भाए राम। अरण्य में जब गए थे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए राम। हराना सरलता अहंकारी रावण को, फिर भी युद्ध लड़े थे राम। रावण को सम्मान दिया था, नहीं शक्ति प्रदर्शन किए थे राम। युद्ध बड़ा था, विकट समय था, वानर संग लड़े थे राम। साधु बनकर जीते राम, अयोध्या वापस आए राम। नेल्सन डार्विन मैं काले से सीखा, कुछ आए ये अपने काम। सीखना है तो राम से सीखो, क्यों कहलाए पुरुषोत्तम राम। जी सको तो राम को जी लो, सत सको तो राम को सत लो। बुद्ध महावीर गांधी ने सीखा, तुम भी तो कुछ सीखो राम, तुम भी तो कुछ सीखो राम। इस कविता में कुछ व्यक्तित्वों का नाम आया है, नेल्सन डार्विन मैं काले से सीखा। यहाँ पर नेल्सन के विचारों, डार्विन के मानव के विकासवादी सिद्धांत की बात की गई है। साथ ही मैकाले, जिनकी शिक्षा पद्धति का अनुसरण आज भारत में किया गया है, की बात कही गई है। इससे पहले भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग थी। हर वर्ग ने राम को अपना कहा है, क्या सच में हमने राम से कुछ लिया है? राम स्वयं में एक पाठशाला से कम नहीं, उनका हर गुण ग्रहण करने योग्य है। हम अपनी सुविधाओं के अनुसार इस बात को मानते हैं कि जो काम हमसे हो सका वो हमारे बस में था, और जो ना हो सका वो मनुष्य के बस की बात नहीं। यही कहकर हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। राम वन को गए, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। गांधी जी ने उनसे शीलता सीखी, बुद्ध ने घर छोड़ा, सत्य की खोज की, तब वे बुद्ध बने, अन्यथा सिद्धार्थ रह जाते। आज के समय में पढ़ने के लिए यदि कोई तर्कसंगत विषय है तो वे राम हैं। हम थोड़ा थोड़ा ही सही, पर अपने हिस्से के राम को स्वयं में सत कर सकते हैं। अंत में अपने अपने तर्क वितर्क के राम, सब कहते हैं मेरे राम, सब कहते हैं मेरे राम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।